Good morning students, you are welcoming RCI Education Hub. Today we are going to start a new topic, General Characteristics of Root. Root के अंदर जो है कौन कौन से सामान्य लक्षण पाए जाते हैं इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी के टाइप्स क्या होते हैं, इसके अलावा प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं जिसके अंदर अपन ने रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में बात की थी, इसके अलावा रूट होती क्या है इसके बारे में बात की थी। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट कि रूट के अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं। सपोज दैट दिस इज अ रूट, ये जो है एक रूट है, इसके अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का ऐसा पार्ट होता है जो कि जमीन के नीचे डिसेंड हो रहा है, नीचे की तरफ ग्रोथ कर रहा है। इट इज नॉट मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। इट मींस द पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच इज मूविंग डाउनवर्ड टू द प्लांट। प्लांट का ऐसा पार्ट जो कि जमीन के नीचे की तरफ मूव कर रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज रूट। बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की, द रूट्स आर नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ये बेसिकली नॉन ग्रीन होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, इनके अंदर किसी भी प्रकार का जो है क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता है, विच इज हेल्पफुल इन द सिंथेसाइजिंग ऑफ द फूड। इट मींस दीज आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज द फूड, समवेयर दीज आर डिपेंडेंट ऑन द लीव्स। खाने के लिए जो है ये पत्तियों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। लीव्स आर सिंथेसाइजिंग द फूड, दैट फूड इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लीव्स टू द रूट बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम, दैट विल ऑल्सो डिस्कस लेटर ऑन। तो ये खाना नहीं बनाती है, खाने के लिए लीव्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सपोज दैट these are the leaves, leaves are synthesizing the food is coming downward by the help of phloem, phloem की help से जो है खाना नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद में roots are absorbing that food and getting neutralized। इसके बाद में अपन बात करते हैं they possess unicellular root hair। actually इनके अंदर जो है ये main root है, main root से फिर secondary roots निकल रही हैं, secondary root से फिर then tertiary root निकल रही हैं। अभी जो रूट्स हैं टर्सरी रूट, इनके अंदर जो है फाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं, बहुत पतली पतली बालों जैसे स्ट्रक्चर होती हैं, और इनका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग। मिट्टी के अंदर जो भी पानी होता है उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करने के बाद में सेंट्रल पार्ट ऑफ द रूट, जो रूट का सेंट्रल पार्ट होता है उस तक ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने के बाद में जाइलम के थ्रू ये पानी कहाँ तक चला जाता है, लीव्स के अंदर, एंड देन लीव्स देन फूड सिंथेसाइज। इसके बाद में जो है खाने को सिंथेसाइज करती है। जो भी रूट हेयर स्ट्रक्चर्स हैं, दीज रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर। ये जो रूट हेयर है ये एक कोशिकीय होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही कोशिका के बने हुए। मेन फंक्शन है इनका एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स, एंड दीज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग सर्फेस एरिया ऑफ रूट। इसके अलावा जो है रूट का सर्फेस एरिया इंक्रीज करने का काम भी कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द रूट कि रूट के अंदर यूनिसेलुलर रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो पानी का एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स का एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा ये रूट का सर्फेस एरिया भी इंक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं द रूट्स आर नॉट डिवाइडेड इंटू नोड्स एंड इंटर नोड्स। जिस तरीके से अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर की जो स्टेम होता है वो नोड्स और इंटर नोड्स के अंदर डिवाइडेड होता है। जैसे आपने गन्ने के अंदर देखा होगा, सुगर कैन के अंदर देखा होगा कि बीच में नोड्स पाई जाती हैं, और नोड का जो बीच वाला जो रीजन होता है दैट इज इंटर नोड। दिस रीजन इज नोन एज नोड, एंड इन बिटवीन द नोड द रीजन इज इंटर नोड। तो जिस तरीके से स्टेम को अपन ने नोड्स और इंटर नोड के अंदर डिवाइड कर रखा है, उस तरीके से जो रूट है दिस इज नॉट डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड। जो रूट है इसको किसी भी प्रकार से नोड्स और इंटर नोड्स के अंदर डिवाइड नहीं कर रखा है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रूट। इसके बाद में हम बात करते हैं लेटरल ब्रांचेस आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। इसके अंदर से जो भी प्राइमरी रूट निकल रही है, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट निकल रही है, सेकेंडरी रूट से देन फर्दर टर्सरी रूट निकल रही है, ये एंडोजीनस होती है, मतलब कि अंदर का जो टिश्यू वाला पार्ट होता है उसके अंदर से निकल कर आती है। ऐसे नहीं है कि जैसे ये जो ये सपोज दैट दिस इज द प्राइमरी रूट, इस प्राइमरी रूट के अंदर जो सेकेंडरी रूट निकल रही है बाहर से निकल रही हो, एपिडर्मल रीजन पे से निकल रही हो, कभी भी एपिडर्मल रीजन पे से नहीं निकलती है। जो अंदर वाला पेरिसाइकल रीजन होता है, जो पित्त वाला रीजन होता है, उसके अंदर से निकल कर आती है। तो जो भी लेटरल ब्रांचेस होती है, दीज लेटरल ब्रांचेस आर एंडोजीनस इन ओरिजिन, दैट थिंग विल ऑल्सो डिस्कस इन द स्टेम। सेम यही बात जो है अपन स्टेम के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेम के अंदर जो भी लेटरल ब्रांचेस होती है वो एक्सोजीनस होती है ओरिजिन के अंदर,
बाहर से निकलती है, जबकि रूट के अंदर ये कहाँ से निकलती है, अंदर से निकलती है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रूट। इसके बाद हम बात करते हैं रूट्स आर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। इट मीन्स ये जो है लाइट की तरफ मूव नहीं करके लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। लाइक जैसे ये सन है, सन से रेज आ रही है, तो जो रूट्स है वो सन की तरफ नहीं मूव करके सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। दैट्स व्हाई दीस आर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। इसके बाद अपन बात करते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। जो रूट्स है वो पानी की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करती रहती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सीसम, तो पानी की तरफ मुड़ रही है ये रूट, इसकी वजह से अपन बोल सकते हैं that the roots are positive hydrotropic, हमेशा जो है ये पानी की तरफ मूव करती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, दैट द रूट्स आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। इसका मतलब क्या होता है, जो रूट्स हैं वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ जो है अट्रैक्ट होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसकी तरफ ऑटोमेटिकली जो है ये ग्रोथ करती रहती है। दैट इज द लास्ट फीचर ऑफ द रूट। ये जो है अपन इनके बारे में डिस्कस किया है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेंडिंग पोर्शन होती हैं, उसके बाद में नॉन ग्रीन होती हैं, इनके अंदर यूनिसेलुलर रूटेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा दीज आर नॉट डिवाइडेड और डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स। फर्दर द लेटर ब्रांचेस आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। इसके बाद में ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं, प्लस में पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती हैं। ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो लगभग हर टाइप के रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर अपन बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ रूट, कि रूट की जो है स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, कौन कौन से उसके अंदर जॉइंट्स पाए जाते हैं, कहाँ पे रूट हेयर पाए जा रहे हैं, इसके अलावा कहाँ पे मेरिस्टमैटिक टिश्यू पाए जा रहे हैं, कहाँ पे रूट कैप पाई जा रही है। दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। If you are liking this lecture, then please share and subscribe. Thanks.